हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आशीष गाड़े एंटरटेनमेंट। हम सभी ने एक न्यूज़ सुनी, बहुत ही दुखद न्यूज़। हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं। चाइना की तरफ से एक सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया, बहुत ही घिनौना था। ये वॉर की तरफ बढ़ सकता है गाइज। पहले से ही हम कोविड से लड़ रहे, कोरोना से लड़ रहे पूरी दुनिया, और ये होना मतलब बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए भी। और जिनके वजह से हम इतने आराम से जी पाते हैं, हमारे इंडियन आर्मी के वजह से सो पाते हैं, आराम से जी पा रहे और कोविड से भी अच्छी तरीके से लड़ पा रहे हैं, वो भी हम हमारे जवानों की वजह से। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उनकी वजह से ही, तो उनको ट्रिब्यूट देना तो बनता है और देना ही चाहिए हर एक ने। सो ये वीडियो उसी के लिए बना रहे हैं हम। सो ये जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में से ये जो गाना है वो बहुत ही मोटिवेटिंग है और फिल्म भी वैसे ही थी। सो आज ये गाना हम सीखेंगे, जितना ईजी हो सके उतना मैं ईजी सिखाऊंगा, सिर्फ 4 ट्रैक में आपको सिखाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना वीडियो सभी दोस्तों के साथ। सो शुरू करते हैं आज डायरेक्टली अपना ट्यूटोरियल, पूरी फिल्म का थीम म्यूजिक। तो गाइस ये हम आ गए हमारे वॉक बैंड के अंदर, इसको बहुत ही आसानी से हम सीखेंगे। तो न्यू सॉन्ग पे क्लिक करना है, यहाँ पर मेजर्स रखने हैं 50, सबसे हाईएस्ट मेजर 80 का बीपीएम अभी के लिए ओके। देखते हैं 80 का बीपीएम अगर स्लो करना है तो वो स्लो भी कर सकते हैं। तो ये जो मेन ट्यून है वो हम बजाएंगे स्क्वायर नाम के इंस्ट्रूमेंट पे। ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है वो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको नीचे जाना है, मोर पे क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो स्क्वायर पे ये सिलेक्ट करके आपको ये बजाना है D3 पे। ये म्यूजिक है, सो D D sharp और E3 इस पे आपको ये बजाना है। और अगर आपको थोड़ा सा आगे जाना है, एडवांस लेवल का बजाना है, तो इसमें क्या करना है, देखो D3 D sharp E3 और नीचे का E2 पे ये क्लिक करना है। देखो समझ में आपको, D3 D sharp E3 E3 फिर E2 E3 फिर यहां पर G3 भी है, G3। सो अब मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूं कैसे करना है। 2 3 1 2 3 स्टार्ट। अभी के लिए 39 सेकंड के लिए मैंने बजाया। अगर इसमें कुछ भी गलत हुआ होगा तो वो आप एडिट ट्रैक पे क्लिक करके इसमें से एडिट कर सकते हो, जितना आपको ट्रैक नहीं चाहिए उतना। सो यहाँ पर अगर कुछ भी गलत हुआ होगा आपको समझ में आ जाएगा, सेम रेगुलर के जैसा नहीं दिख रहा है, कहीं पे अगर एक्स्ट्रा का एक बीट ऐड हो गया है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो अगर नहीं चाहिए तो वो ये डिलीट हो सकता है, अदरवाइज अभी के लिए मैं ऐसे ही रखता हूँ। अभी आपको प्लस पे क्लिक करना है, आपको एक ड्रम बीट मैं सिखाता हूँ वो कैसे। देखो ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ ड्रम है, जैज ड्रम। सो स्टार्टिंग में ये करना है ढक 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 ढक, ये वाला है। तो इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, जैसे 2 3 स्टार्ट। ये ऐसे आप कर सकते हो, ये हो गया सेकंड ट्रैक। अभी थर्ड पे आप ड्रम पैड पे ही जाते हो, वहां पर आप सिर्फ सिलेक्ट करते हो ये डांस ड्रम, इसमें क्लैप हमें सिर्फ ऐड करने, तो वो ऑफ बीट क्लैप है, जैसे 2 3। तो ये देखो मैंने 39 सेकंड के लिए, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें और एक ट्रैक आप ऐड कर सकते हो, वो है बेस लाइन का, बेस लाइन आप उसकी ब्रॉड कर सकते हो जैसे आपको चाहिए वैसे। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की हुई बेस है फिंगर्ड बेस, ये आपको प्लस पे क्लिक करके मिल जाएगा। तो इसको आपको सिर्फ, आपको सुनने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये से ऐड करना है आपको। अगर कोई दूसरा बेस चाहिए तो ये स्लैब बेस में थोड़ा साउंड बड़ा है, ये आप कर सकते हो ऐड, जैसे 2 3 स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट।
ऐसे आप कर सकते हो, ये देखो मैंने पूरा 39 सिंगल रिकॉर्ड किया अभी अपने हाथ में, ये पूरा एक ट्रैक आ गया है। देखो सिर्फ चार ट्रैक में मैंने आपको सिखाया, जितना इजी हो सके उतना इजी हो गया। 80 बीपीएम को आप पूरे स्ट्रक्चर को आप 90 पे कर सकते हो, तीन लाइन पे क्लिक करके मेट्रोनेम ऑफ कर दो और इसको सुन सकते हो आप, थोड़ा फास्ट हो गया है। ऐसे आप कर सकते हो, रिकॉर्ड के साथ गा सकते हो जैसे आपको चाहिए। इसको आपको एंड में सेव करना है, यहां पर सेव एडिटिंग ओके कर दो। सो यहां पर आपके हाथ में ये पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखो इसको मैंने सेव नहीं किया है, तो MP3 पे क्लिक करोगे तो ये MP3 फॉर्मेट में बन जाएगा और उसको आप सेंड कर सकते हो या फिर जैसे मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में आपको दिखाया वैसे आप वीडियो के ऊपर लगा सकते हो। सो इतना आसान मैं सिखाना चाहता था। आई होप आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हिट द बेल आइकन और सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर देना। और ये ट्रिब्यूट के तौर पर मैंने सिखाया, हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं उनको ट्रिब्यूट के तौर पर था, जिनकी वजह से हम आराम से घर पर रह पा रहे, सो पा रहे, जी पा रहे, तो उनको ट्रिब्यूट के तौर पे ये वीडियो था। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। एज ऑलवेज गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग एट सेम। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।